अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे बैंकिंग सेक्टर में से तीन बड़े बैंक जो हैं पाकिस्तान में, और उसके रिटर्न्स को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि 10 साल के जो रिटर्न्स हैं एवरेज रिटर्न वो क्या है। तो तीनों बैंकों को कंपेयर करते हैं, मीज़ान बैंक, एमसीबी बैंक और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। अच्छा, ये तीनों बैंक जो हमने चूज़ किए हैं, इसके रीज़न ये है कि इनकी जो करंट प्राइस है वो तकरीबन थोड़े से फर्क के साथ तकरीबन सेम है। करंट प्राइस जो ट्रेड हो रहा है 214.95 रुपये में मीज़ान बैंक, 203 रुपये और 01 पैसा में मुस्लिम कमिश्नर बैंक जो कि एमसीबी बैंक के नाम से है, और यूनाइटेड बैंक यूबीएल 194.50। तो ये तीन बैंक हमने डिसाइड किए हैं। तो देखते हैं कि वॉल्यूम जो है, सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो मीज़ान बैंक का है, 916.7, तकरीबन 9,16,000 बनता है ये, तकरीबन इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, 790 और ये है 283, यानी कि 2,83,000, ये 7,90,000। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हो रहा है वॉल्यूम वो मीज़ान बैंक का है। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात कर रहे हैं तो तकरीबन 1791 मिलियन तकरीबन शेयर हैं मीज़ान बैंक के, 1185 मिलियन एमसीबी के और 1224 मिलियन यूनाइटेड बैंक के। फ्री फ्लोट शेयर जो है वो 447 बिलियन तकरीबन 48 बिलियन के करीब ही हैं, ये हैं मीज़ान बैंक के। 414 बिलियन या 15 बिलियन आप कह सकते हैं वो मुस्लिम एमसीबी के, और 489.7 मिलियन जो है यूनाइटेड बैंक। फ्री फ्लोट शेयर की बात करें तो 25% शेयर जो है मार्केट में है मीज़ान बैंक के, 35% एमसीबी के और 40% यूनाइटेड बैंक के। तो बीटा वैल्यू जो है वो मीज़ान बैंक की 1 है और एमसीबी की 0.92 है और यूनाइटेड बैंक की 0.85 है। 25 वीक का हाई हम देख लेते हैं तो मीज़ान बैंक ने जो अपना हाई किया था वो 238 रुपये का हाई किया था, और एमसीबी का जो हाई था वो 222 रुपये का हाई था, और यूनाइटेड यूबीएल का जो था 208 रुपये और 92 पैसे का हाई था। लो की बात कर लें तो 82 रुपये का लो था, 82 रुपये 42 पैसे, 110 रुपये का एमसीबी का लो था, यूनाइटेड बैंक का 109 रुपये और 40 पैसे का लो था। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन में मीज़ान बैंक के जो अर्निंग पर शेयर है वो 52 रुपये और 74 पैसे के अर्निंग पर शेयर है, जबकि मुस्लिम कमिश्नर बैंक की भी अर्निंग जो है वो 53 रुपये और 27 पैसे की अर्निंग है। यूनाइटेड बैंक की जो अर्निंग है वो 44 रुपये और 81 पैसे की अर्निंग है। थोड़ा सी फ़र्क से मीज़ान बैंक आगे है, मगर मीज़ान बैंक का शेयर की प्राइस भी एमसीबी से थोड़े से ज़्यादा है। पी रेशो की जहाँ तक बात है तो उस वक्त उसमें 4.08 मीज़ान बैंक है, एमसीबी जो है वो 3.81 है और यूनाइटेड बैंक का पी रेशो है 4.38। तो एमसीबी एक तो अर्निंग पर शेयर में भी बेहतर है और पी रेशो उसका बेहतर है। प्राइस टू सेल की बात करें तो 0.82 और 0.368 और 0.33, तो ये प्राइस रेशो है। बुक वैल्यू जो है 103 रुपये और 24 पैसे, एमसीबी का बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 194 रुपये और 67 पैसे, यूनाइटेड बैंक का 206.22। तो यूनाइटेड बैंक का बुक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, एमसीबी दूसरे नंबर पे और मीज़ान तीसरे नंबर पे। पीबी वैल्यू में 2.07 मीज़ान बैंक, 1.04 एमसीबी बैंक और 0.88 यूनाइटेड बैंक। मीज़ान बैंक का पीबी वैल्यू ज़्यादा है जी। तो इन्वेस्टर साइड की हम बात कर लेते हैं और डिविडेंड के हवाले से देख लेते हैं। तो डिविडेंड जो है वो पूरे साल का जो कैलकुलेट कर रहा है वो 24 रुपये का बनता है मीज़ान बैंक का, एमसीबी का 33 रुपये बनता है और यूबीएल का 44 रुपये बनता है। तो इसमें डिविडेंड में जो है वो यूनाइटेड बैंक आगे है, डिविडेंड ईल्ड में भी यूनाइटेड बैंक आगे है 24 रुपये 14 पैसे, मीज़ान बैंक जो है 11 रुपये 23 पैसे और एमसीबी 16 रुपये 24% का डिविडेंड दिया है। अच्छा, कैश पे आउट 45 और कैश पे आउट रेशो जो है 45.51 जो है मीज़ान, 61.95 एमसीबी बैंक और 98.19 कैश पे आउट रेशो यूनाइटेड बैंक। तो इन्वेस्टर साइड की जो हम बात कर रहे हैं डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड के हवाले से कैश पे आउट, तो उसमें इसमें यूनाइटेड बैंक ने लीड किया है। प्रॉफिटेबिलिटी की जहाँ तक बात है तो वो देखें कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो एमईबीएल का है 17.15
और एमसीबी 37.92 और 32.72। तो इसमें एमसीबी ने जो है वो लीड किया है। नेट प्रॉफिट परसेंटेज में हम देखें तो 2.28 है, 15.90 है और 10.23। तो इसके अंदर भी एमसीबी ने लीड किया। 10 ईयर की ग्रोथ हम देख लेते हैं कि इनकी क्या ग्रोथ है, और दूसरा इन्फ्लेशन से भी इसको मैच करेंगे कि इन्फ्लेशन जो हमारी 2014 से 2023 के दरमियान जो इन्फ्लेशन है वो 10.54% रही है। तो अगर ये स्टॉक ऐसा स्टॉक जो कि इन्फ्लेशन को कवर कर रहा है, उसके रिटर्न्स अच्छे हैं, तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। प्रीवियस हमने सारी चीज़ें डिटेल में दी है, किसी में एमसीबी बैंक का जो है वो लीड किया, किसी कहीं मिजान बैंक ने और कहीं यूनाइटेड बैंक ने। तो डिसाइड आपने करना है कि आप किस रेंज को देखकर या किस जो है वो क्राइटेरिया में जाएंगे और इसमें कौन सा बैंक आप परचेज करेंगे। तो कमेंट्स में बताइए कि कौन सा बैंक आपको बेहतर लगता है। तो यहाँ पे ग्रोथ देखें तो 28.92% की है 10 ईयर की ग्रोथ, जबकि इन्फ्लेशन 10.54% है, और एमसीबी की 5.11% है जो कि इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर सका 10.54 का, और यूनाइटेड बैंक ने इन्फ्लेशन को भी बीट किया और कुछ रिटर्न दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लीड किया है 10 ईयर के रिटर्न्स में, ग्रोथ में, जो एवरेज रिटर्न्स हमने निकाले पर ईयर के हिसाब से, उसमें मिजान बैंक लिमिटेड ने इसमें लीड किया है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं कि किस कंपनी का आप कंपेरिजन करवाना चाहते हैं वो हमें कमेंट्स में बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी स्टॉक मार्केट के कंपनीज के बारे में पता चल सके। उम्मीद करता हूँ